चैन से सो पाए इसीलिए वह सो गया कि हम चैन से सो पाए इसीलिए वह सो गया। वह भारतीय फौजी था जो आज शहीद हो गया। वह भारतीय फौजी था जो आज शहीद हो गया। जय हिंद दोस्तों, बिहार के जहानाबाद से एक बेहद ही दुखद खबर सामने निकल कर आई है। जहानाबाद का फौजी कमलेश यादव देश की रक्षा करते हुए हरियाणा के यमुनानगर में शहीद हो गई। शहादत की सूचना घर पर मिलते ही घर पर मातम पसरा हुआ था। परिवार परिजनों को रो रो कर हालत बुरा बन चुका था। कल शहीद जवान के तिरंगे में लिपट कर सेना के विशेष वाहन से पार्थिव से उनके पैतृक निवास स्थान पर लाया गया, जहां पर पार्थिव शव को देखकर मां और पत्नी बार बार बेहोश जा रही थी। पूरे परिवार परिजनों को रो रो कर हालत बुरा बन चुका था। कल शहीद जवान कमलेश यादव का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया। यह जवान बचपन से ही देश का सेवा करना चाहता था। अपने कड़ी मेहनत के साथ 2013 में CISF में भर्ती हुए थे। वर्तमान में जवान का ड्यूटी हरियाणा के यमुनानगर में बिजली प्लांट में लगा हुआ था, लेकिन ड्यूटी के दौरान अचानक सीने में दर्द हुआ। साथी ने देखा तो तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन बेहतर इलाज के लिए गंगा हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया और यह जवान देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दे दिए। शहादत से परिवार परिजनों को रो रो कर हालत बुरा बन चुका था। रविवार को जवान का पार्थिव शरीर गांव पहुंचा। जैसे ही आसपास के लोगों ने इस बातें की जानकारी मिली तो जवान का पार्थिव शरीर आ रहा है, तभी बड़ी संख्या में आसपास के लोगों इकट्ठे हो गए और भारत माता की जय, कमलेश यादव अमर रहे, पूरा इलाका गूंज उठा। सदर के विधायक सुदय यादव ने श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि जिस तरह से जवान की मौत हुई है, काफी दुखद घटना है। हम लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। कमलेश का एक बेटी और एक बेटा है। ग्रामीणों की कहना है कि जवान काफी नेक इंसान और मिलनसार था। जब भी छुट्टी लेकर घर आता था, सभी सारे परिवार को तरह मिलजुल कर बातें करता था। अचानक मौत हो जाने के बाद पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ पड़ी। कल शहीद जवान के अंतिम यात्रा में हजारों दस हजारों का जनसैलाब उमड़ा था। सभी हाथों में तिरंगा लेकर भारत माता की जय और वंदे मातरम, जब तक सूरज चांद रहेगा, शहीद कमलेश यादव तेरा नाम रहेगा, नारा से गूंज उठे पूरे पैतृक इलाका। जब शहीद जवान का पार्थिव शरीर इनके पैतृक घर पर लाया गया, तब पार्थिव शव को देखकर परिवार परिजनों को रो रो कर हालत बुरा बन चुका था। इनकी पत्नी बच्चे सभी का रो रो कर हालत बुरा बन चुका था। पत्नी तो बार बार बेहोश जा रही थी। यह दृश्य देखकर सभी का आंख नम हो गया। CISF के अधिकारी ने शहीद जवान के बेटा और बेटी का तिरंगा झंडा पकड़ाया। यह दृश्य देखकर सभी का आंख नम हो चुका। पूरे राजकीय सम्मान के साथ शहीद फौजी कमलेश यादव का अंतिम संस्कार कर दिया गया। सच में दोस्तों, जब कोई फौजी देश के लिए सरहद पर शहीद होते हैं तो दिल नहीं आत्मा भी तड़प तड़प कर उठती है। अगर शहीद जवान कमलेश यादव के लिए आप लोग कुछ जरा सा रिस्पेक्ट और कमेंट में चेंज और लिखना। मैं भगवान से सादर विनती प्रार्थना करता हूँ, शहीद जवान कमलेश यादव का आत्मा को शांति मिले और इस दुख के घड़ी में उनके परिजनों को दुख सहने की सहन शक्ति मिले।